एमसीबिल के विरोध में आईएमए के हड़ताल का रायपुर में भी देखने को मिला असर, 600 निजी अस्पतालों की ओपीडी रही। आईएमए के देशव्यापी हड़ताल का असर रायपुर में भी देखने को मिल रहा है। प्रदेश के 600 निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने हड़ताल पर रहकर इस बिल का विरोध किया। राजधानी के सभी निजी अस्पताल की ओपीडी सुबह 6 बजे से बंद थी और यह अगले दिन यानी गुरुवार सुबह 6 बजे तक बंद रही, लेकिन मरीजों की परेशानी को देखते हुए इमरजेंसी सेवा सुचारू रूप से जारी रही। ओपीडी बंद होने की वजह से अस्पताल में इलाज के लिए आए मरीज और उनके परिजन परेशान होते नजर आए। रायपुर हॉस्पिटल बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर गुप्ता ने हड़ताल को लेकर कहा कि नेशनल मेडिकल काउंसिल बिल को लेकर बहुत ज्यादा विरोध है, बहुत सी ऐसी दिक्कतें हैं बिल में जिसमें 2 साल के संवाद के बाद भी सरकार ने उनको नहीं माना। हमारा विरोध इस बात को लेकर है कि स्नातकोत्तर परीक्षाएं होंगी उसमें ऑटोनॉमस संस्थान जो है उनसे भी उनकी स्वायत्तता खत्म कर दी गई है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 50% सीटें मैनेजमेंट कोटा को दे दी गई जो मेडिकल शिक्षा को अतकचरा बना देगा। हालांकि आईएमए की हड़ताल की वजह से जो निजी अस्पताल हैं वो काफी प्रभावित रहे, लेकिन अगर सरकारी अस्पतालों की बात की जाए तो यहाँ पर जो ओपीडी सेवा है वो सुचारू रूप से चलती रही। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर हेमंत सर।